श्री राधे राधे। गीता जी के 9वें अध्याय में भगवान ने कहा है, महात्मा नस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृति माश्रिदाह भजन तेनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। ठाकुर जी कह रहे हैं अर्जुन से, हे अर्जुन, महात्मा नस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृति माश्रिदाह, जो दैवी प्रकृति के अधीन होते हैं अर्थात आसुरी प्रकृति से बच कर रहते हैं और सहज ही जिनकी दैवी प्रकृति होती है वे लोग महात्मा होते हैं। सहज ही दैवी प्रकृति में जीवन जिसका है आसुरी प्रकृति से दूर रहता वो महात्मा होते हैं, ऐसा ठाकुर जी कह रहे हैं। और भजन तनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्, वो मेरे स्वरूप को समझते हैं और वो अनन्य भाव से मेरा भजन करते हैं। इस प्रकार के संत जहाँ होते हैं वो ठाकुर जी के धाम के द्वारा आकृष्ट कर लिए जाते हैं। श्री वृंदावन धाम में ये विशेषता है कि कहीं भी किसी महात्मा प्रकृति के संत का जन्म धरती पर हो तो धाम महाराज उसको खींच लेते हैं। एक कन्या का जन्म हुआ था बंगाल में और संत रूप में जब वो आई तो उनका नाम हुआ साधु माँ। वे अद्वैताचार्य प्रभु के, जो कि चैतन्य महाप्रभु के बहुत ही खास पार्षद थे, उन्हीं के वंश के अंतर्गत, उन्हीं के वंश में ही जन्म हुआ था इनका और दुर्गाष्टमी के दिन इनका जन्म हुआ था। जब इनका जन्म हुआ तो उसके पहले इनके पिता को ऐसा प्रतीत होता था भजन में कि मेरे घर जो कन्या जन्म लेने वाली है वो साक्षात योग माया है, ऐसा उनको स्वप्न हुआ था। और बचपन में ही उन्होंने अपने पिता से दीक्षा ली, क्योंकि उनके पिताजी साधारण नहीं थे, द्वैताचार्य के वंशज थे जो गौड़ी संप्रदाय के लिए पूज्य होते हैं। तो उन्होंने बचपन में ही अपने पिताजी से दीक्षा ले ली और भगवान की सेवा पूजा और भगवान के नाम संकीर्तन आदि में निमग्न रहती थी। कभी कभी तो वो स्वयं ही अलौकिक वार्ता करती सुनाई पड़ती थी। अलौकिक वार्ता का तात्पर्य जो भागवत विषय उच्च कोटि की वार्ता होती है भगवान के लीला परिकरों की, वो वार्ता उनके मुख से निकलती थी। और उन्होंने बचपन में ही पिताजी से बहुत से सुंदर शास्त्रों का अध्ययन किया, अध्ययन भी बड़े मनोयोग से किया। और जो चैतन्य महाप्रभु के शिष्य 6 गोस्वामी हुए उनके ग्रंथों का भी खूब अध्ययन किया बचपन में ही। पिताजी से उन्होंने ऐसे ऐसे धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया जो बड़े दुर्लभ हैं। और फिर उसके बाद वे बिल्कुल युवावस्था में ही घर त्याग करके अकेली ही चल पड़ी। चैतन्य महाप्रभु के पद चिन्हों पर ही जैसे तीर्थ भ्रमण के लिए चल पड़ी अकेले, इतना साहस था उनका। उन्हें विश्वास था कि चैतन्य महाप्रभु उनके साथ हैं, इसलिए वो कभी भी किसी प्रकार का उनको डर नहीं लगा और वो सफलतापूर्वक आगे बढ़ती गई। उन्होंने बंगाल के प्रसिद्ध जो एक तांत्रिक संत हुए बामा खेपा, उनका जो स्थान था तारापीठ, उस तारापीठ पर पहुंची। वहां उन्होंने बामा खेपा का दर्शन किया। बामा खेपा का बड़ा नाम था और उन्होंने, सिद्ध संत बामा खेपा जो तांत्रिक संत थे, उन्होंने जब देखा साधु माँ को तो वो माँ ही समझ करके, उन्होंने योग माया समझ करके उनके चरणों में पुष्प अर्पण किया बामा खेपा ने।
और उनको लगा कि जैसे उनको दर्शन देने के लिए योग माया स्वयं पधारी हैं। वो बड़े भाव से उनको नमन किए और जब उन्होंने साधु माँ को प्रणाम किया तो साधु माँ ने भी बामा खेपा को प्रणाम किया और कुछ देर तक तो गुप्त वार्तालाप, बिना एक दूसरे से मुंह से कुछ बोले, एक दूसरे को एकटक देखते हुए अंदर ही अंदर बात होती रही। ऐसी दैवी शक्ति थी उनके अंदर। और फिर उन्होंने पूछा बामा खेपा से कि मैं चैतन्य महाप्रभु की दिव्य लीलाओं में डूब करके भजन करना चाहती हूँ, तो आप कृपा करके आदेश करें कि कौन से स्थान पर रहकर भजन करूँ। तो बामा खेपा ने कहा कि आप पहले तो कुछ दिन बेलूर में रहिए गंगा के किनारे, और फिर बाद में जाकर वृंदावन में आप भजन करिए। तो कुछ दिन तक तो बेलूर में गंगा तट पर उन्होंने भजन किया और कठोर साधना में लग गई भजन में। और उसके बाद वो जब बेलूर से फिर वृंदावन गई, तो वृंदावन में जब आई वो तो बंसीवट के निकट में, अब बहुत पुरानी बिल्डिंग है बंसीवट और ये जो गोपेश्वर महादेव, हाँ दोनों के बीच में है, उसको बोलते हैं बड़े कुंज। अब तो वो प्राचीन समझ लीजिए जैसे कोई स्मारक हो इस प्रकार से है, उस समय तो बहुत सुंदर था वो, तो बड़े कुंज में वो रहती थी। और गंगा जी के तट पर जो उन्होंने भजन किया था उस समय ही उनकी सिद्धियां प्रकट हो चुकी थी। फिर बड़े कुंज में, हाँ बंसीवट में कुछ दिन रहने के बाद फिर रंग जी के बगीचा के पास उनका आश्रम बना। और रंग जी के बगीचा के पास आश्रम बना करके फिर वहाँ रहने लगे। उनके और भी आश्रम बने वृंदावन के अलावा, बाहर भी बने। जहाँ भी उनके आश्रम बने, बड़े भक्ति भाव से वहाँ भगवान की उपासना की जाती थी। एक बार वो वृंदावन में जन्माष्टमी के टाइम पर जो उत्सव मनाई, तो उत्सव के बाद वो यज्ञ हवन हुआ, फिर वो तुलसी के बगीचे में बैठ करके वो भजन कर रही थी, तो उसी समय एक दिव्य ब्रजांगना ने प्रकट होकर उनको दर्शन दिया। और वो दिव्य ब्रजांगना जो प्रकट हुई, उन्होंने कहा तुम मेरा शरीर क्यों दग्ध करती हो, वृंदावन में हवन का क्या प्रयोजन है, यहाँ तो नाम यज्ञ से ही सब यज्ञ हो जाते हैं। तो साधु माँ बहुचक्की सी उस परम सुंदरी तेजोमयी ब्रजवती की ओर देखती रह गई। तो उनकी समझ में नहीं आई कि कौन कहें क्या कह रही, तो उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो माँ। तो वो दिव्य ब्रजांगना जो प्रकट हुई थी, उन्होंने कहा कि मैं रज रानी हूँ, वृंदावन की रज रानी। और इतना बोल के अंतर्धान हो गई वो। तब उनके समझ में आया और साधु माँ ने अपने सेवकों को बुलाकर आज्ञा दी कि वृंदावन में हवन कभी नहीं करना, वृंदावन में हवन करने से रजरानी को कष्ट होता है, उन्होंने मना किया है। उन्होंने कहा यहाँ नाम यज्ञ करने से ही सब यज्ञ हो जाते हैं। तो वृंदावन के आश्रम में उनका ये हवन आज बंद हो गया और उन्होंने कहा बस केवल नाम कीर्तन का ही यज्ञ करना है। और जो बाहर उनके आश्रम थे वृंदावन के बाहर, वहाँ तो होते रहे, परंतु वृंदावन के ये आश्रम में उन्होंने फिर हवन कभी नहीं होने दिया। और जिन लोगों को ये पता चला, उन लोगों ने भी हवन का यज्ञ का कार्यक्रम अपने यहाँ बंद कर दिया। महाराज वो अद्भुत साध्वी थी साधु माँ, बड़ी विदुषी, बड़ी तेजोमयी, बड़ी वैभवशालिनी थी। और नाम तो उनका सिद्धेश्वरी था, लेकिन सिद्धेश्वरी नाम तो कोई नहीं जानता, बहुत कम लोग जानते थे, साधु माँ ही सब कहते थे, क्योंकि साधुओं के लिए माँ के समान थी वो। और साधुओं की पारमार्थिक समस्याओं का भी समाधान वो बड़ी सुंदरता से करती थी, शंकाओं का समाधान करती, पारमार्थिक समस्याओं का समाधान करती, भजन संबंधी गुत्थियों को सुलझाती, भांति भांति से आश्वासन देकर भजन में उत्साहित करती।
भोजन वस्त्र संतों के लिए ये सब भी इंतजाम करती रहती हूँ। और वृंदावन के रंग जी के बगीचे के पास में उनका जो आश्रम था वो संतों के लिए मात्र स्थान बना हुआ था। सभी संप्रदायों के साधु वहाँ उनके पास जाकर के भजन साधन की बात करते और शांति लाभ प्राप्त करते। सख्य भाव के सिद्ध संत ग्वारिया बाबा अक्सर उनके पास जाते और अपने यार श्री कृष्ण की शिकायत भी करते उनसे। एक बार जब माँ आश्रम की कथा में एकदम निमग्न हो रही थी तभी उन्होंने देखा कि ग्वारिया बाबा एक लंबा सा चोंगा और पगड़ी पहने और हाथ में एक डंडा और गेंद लिए हुए भागते दौड़ते आए और बोले, मैया री मैया, यार पकड़वे को आए रहो है, यार मुझे पकड़ने के लिए आ रहा है, मुझे छिपा ले। तो मैया ने कहा, ऊपर कमरे में जाके छिप जाओ। ग्वारिया बाबा कथा के गंभीर वातावरण को जैसे चीरते हुए से भागे और ऊपर जाकर के कमरे में छिपे। कथा के पश्चात माँ के पूछने पर बोले, मैया वादिन यार दांव दिए बिना भज गयो, अर्थात उस दिन मेरा यार कन्हैया जो है बिना दांव दिए ही भग गया, तो आज मैं भी भग के आ गया बिना दांव दिए और उसकी गेंद भी लेकर मैं आया हूँ। और माँ को पता था कि ये सिद्ध सखा हैं भगवान के, इसलिए वो हंस हंस करके सुनती थी। और माँ ने उनको माखन मिश्री और खीर सा जो मिठाई होती है ब्रज की, वो सब खूब खाने को दिया और खा पी करके फिर वो पता नहीं कहाँ रम गए, भागे हुए चले गए डंडा गेंद लिए हुए। वो भगवान के साथ खेलने में मस्त रहते थे ग्वारिया बाबा, और ऐसे सिद्ध संतों के ही पास जाते थे, अन्य लोगों के पास नहीं जाते थे। जैसे मैं पहले आपको सुना चुका हूँ, आनंदी बाई माता के पास जाते थे, तो ऐसे साधु माँ के पास भी आते थे और सिद्ध संतों के पास जा करके और खूब आनंद लेते थे और अपनी बात से और अपने यार की शिकायत ये सब सुनाते। बड़े प्रेम के साथ ग्वारिया बाबा ऐसे संतों के पास जाकर भाव विभोर होते थे। साधु माँ के जीवन में बहुत भक्त आकर के उनके चरणों में आए, संपर्क में आए, कितने के ऊपर इनकी कृपा हुई माता की। बहुत से शिष्य हुए माँ के, जिसमें गृहस्थ शिष्य ज़्यादा थे, कुछ विरक्त शिष्य भी हुए। और माँ के यहाँ कोई संप्रदाय का भेद नहीं था, सभी संप्रदाय के संत लोग इनके चरणों में आते थे और बड़े भाव से लोग बैठते थे। पंजाबी लोग बहुत थे इनके शिष्य, और एक पंजाबी माता थी जो वीरा दीदी कही जाती थी, वो इनके आश्रम में 100 वर्ष से अधिक उम्र तक रही थी। वो माता बोलती थी कि देखो, इन लोगों के आचार विचार पर ध्यान नहीं देना। माँ के जो पंजाबी शिष्य थे, बहुत थे शिष्य, उन पर विशेष कृपा माता की थी। वो अपने सेवकों से कहा करती थी कि पंजाबी जो सेवक लोग हैं, भक्त लोग हैं, इनके आचार विचार पर ध्यान नहीं देना, शुद्धि अशुद्धि आचार विचार पर इनके ध्यान नहीं दो, ये बड़े भोले और सरल हृदय के हैं, इन लोगों को इसका ज्ञान नहीं है जो आचार विचार की शुद्धि ज़्यादा कर सकें। इनके सरल हृदय और भाव भक्ति के कारण ही इनके ऊपर भगवान की कृपा रहती है और इनके हृदय में ठाकुर जी विराजमान होकर के लीला भी करते हैं। बस इनकी सरलता को देखो, इनके आचार विचार को मत देखो, इनकी सरलता को देखो, और सरलता को देखोगे तो इनके आचार विचार के दोष पर फिर तुम्हारी निगाह नहीं जाएगी। यद्यपि चैतन्य महाप्रभु की उपासना ही मुख्य थी माता की, लेकिन फिर भी राधा रानी से बहुत इनको स्नेह था। बड़ी अद्भुत निष्ठा थी कि गौरांग महाप्रभु की उपासिका होने पर भी ये राधा रानी की सेवा पूजा में बड़े भाव से लगती थी। गौरांग महाप्रभु अर्थात चैतन्य महाप्रभु की उपासिका थी, भक्त थी,
लेकिन महाप्रभु जी के सन्यास रूप को वो न दर्शन कर सकती थी न उनकी कथा सुन सकती थी। सन्यास रूप की बात आते ही वो रोने लग जाती थी। एक बार जब ये वृंदावन में नहीं आई थी, बेलूर में थी, गंगा किनारे, तो उस समय एक भक्त ने चैतन्य महाप्रभु के विषय में भजन गाया और वो बोला कि चैतन्य महाप्रभु अपना गांव नदिया छोड़ करके और सन्यास लिए। वो भजन ऐसा इस भाव का था बांग्ला में। तो जब ये भजन उन्होंने गाया उस व्यक्ति ने, तो वो माता, साधु माता मूर्छित हो गई और बहुत देर तक मूर्छावस्था में ही पड़ी रही। और जब मूर्छा भंग हुई तो बोली, देखो मेरे प्राण नाथ हैं, मेरे प्राण धन हैं गौर किशोर, मैं उनको सन्यास वेश में नहीं देख सकती, वे मेरे भगवान हैं, मेरे प्रभु हैं, उनको कष्ट देना और उनके वैराग्य की लीला को मैं ज़्यादा नहीं सुन सकती हूँ, इसलिए उनके सन्यास की बात मत किया करो, उनके वेश का, सन्यास वेश का कीर्तन भी मैं नहीं सुनना चाहती हूँ, वो तो आनंद से रहें, मुझे वही अच्छा लगता है। और माता, साधु माता को रासलीला बहुत पसंद थी। उनके आश्रम में रासलीला का आयोजन अक्सर होता रहता था, तो रासलीला देखते देखते वो भाव विभोर हो जाती, इसलिए उन्होंने रासलीला देखने के लिए आश्रम की दूसरी मंजिल पर ऐसे स्थान बनाया था कि वहाँ बैठ कर के रासलीला देखती कि किसी की दृष्टि उन पर न पड़े, इसलिए ऐसा ढंग से बनाया था। तो रासलीला के जो स्वामी होते हैं, अर्थात रासलीला मंडली के चलाने वाले जो होते हैं और जो उनके स्वरूप रासलीला के होते हैं, जो भगवान के लीलाएं करते हैं, तो जो रासलीला के स्वरूप रासलीला के मालिक स्वामी लोग जो थे, वो लोग कहते थे कि माता दर्शन क्या करती हैं, वो ऐसी शक्ति हम लोगों के ऊपर डालती हैं कि हम लोग उसके आवेश में हो जाते हैं। रासलीला में जो लीला होती रहती है उसके आवेश में हम लोग हो जाते हैं और हम यंत्र के समान लीला करते हैं, अर्थात हमें पता ही नहीं रहता कि क्या लीला करनी है, क्या हम करते जा रहे हैं, अपने आप लीला होती है। बस साधु माँ की दृष्टि हमारे ऊपर पड़ जाए तो लीला अपने आप होती रहती है। लीला ठाकुर जी कराते हैं, करते हैं, हमें नहीं कुछ पता होता है कि लीला कैसे हो गई। ऐसी श्रद्धा थी माता के ऊपर सबकी। और वो माता भी उन भगवान के भक्तों के लिए, भगवान की लीला के लिए समर्पित थी। खूब खर्चा करती थी, बड़े भाव से खिलाती थी, बड़े भंडारे करती थी और संतों से दिल खोल करके भगवान की लीला में एकदम आनंद विहोर होकर के बड़े भाव से उनकी सेवा में मिलती लगती। संप्रदाय का भेद तो था ही नहीं उनके यहाँ, और खूब उनकी सेवा करती, संतों की, रासलीला वालों की, भंडारे करती, खूब न्यौछावर देती, भेंट देती, दान दक्षिणा देती और ऐसे डूबी रहती लीला में, भगवान की सेवा में, कि उनको दुनिया से कोई मतलब नहीं था, उनको भगवान से ही मतलब था। साधु माँ को बड़ा आदर दिया वृंदावन के संतों ने और एक लंबी आयु तक उन्होंने वृंदावन वास किया। संवत 2000 में माता ने नित्य लीला में प्रवेश किया और श्री वृंदावन धाम की साधना की संपूर्णता भागवत धाम की प्राप्ति के रूप में उन्होंने किया। ऐसी माता को प्रणाम, अनंत बार प्रणाम। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।